हेलो एवरीवन, ये हम लोग जा रहे हैं मथुरा, तो आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। मैं पैकिंग कर रही हूँ, जो मैंने पैकिंग की उसका मैं सूट कर पाई, जो भाभी ने की वो नहीं कर पाई, तो ये सब मैंने पैक किया और हम लोग गाड़ी में बैठ गए। तो ये मेरी जिठानी है, ये गुप्ता जी है और ये मेरी माँ है, वो मामी जी बैठी है और मामा जी आगे बैठे हैं और बच्चा पार्टी आगे पीछे एडजस्ट है। इनको तो बैठते साथ ही नींद आ जाती है और ये सो जाती है। बीच में हम लोग बहुत थक गए थे, काफी चलते चलते थे, स्टॉप किया, कुछ खाया पिया, कुछ हेल्दी, कुछ ऑयली, कुछ रील्स, ये सारी चीजें मस्ती की और हम लोग पहुंच गए मथुरा। माँ को बहुत नींद आ रही थी, हम लोग डिनर करके मथुरा की सड़कों पे घूमे। माँ लोग तो सो गए थे आराम से, हम लोग को बहुत लेट हो गया था। माँ बोल रही थी सुबह जल्दी उठना है। हम लोग सुबह 4 बजे यमुना घाट के निकल गए थे क्योंकि गाड़ी नहीं जानी थी, तो रिक्शा पकड़ना था। हम लोग यमुना घाट पर पहुंच गए। यमुना घाट पर काफी भीड़ थी, थोड़ी ठंडक भी थी लेकिन अच्छा लग रहा था, काफी लोग थे वहां पे। तो माँ बोली पहले मैं जाती हूँ बच्चों को लेके, तो इन लोगों को डुबकी करवाते हैं। तो माँ बच्चों को लेके गई थी, मैं थोड़ा सूट कर रही थी दूर से। तो ये सब वहाँ का दृश्य है, यहाँ बहुत भीड़ थी, काफी अच्छा लग रहा था। तो पहली बारी आती है कुंज की, क्योंकि भाई बहन को दोज पर डुबकी लेनी थी, तो कुंज और सुमी ने डुबकी ली। फिर सुमी को तो डबल डुबकी लेनी थी, कृष्णा के साथ भी लेनी थी, तो कुंज तो ले ही नहीं रहा था, तो मामी ने उसको डुबकी करवाई। फिर माँ कृष्णा को लेके आई, तो कृष्णा और सुमी ने फिर से डुबकी ली। माँ और मामा जी को भी डुबकी लेनी थी, मामी बोली थोड़ा सी उन्हें फोटो सेशन कर दो। तो फिर मामा जी ने मम्मी ने डुबकी ली, क्योंकि मम्मी का बहुत मन था दोज पे भाई बहन का डुबकी लेने का। फिर आती है मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता की बारी, तो हम लोगों ने डुबकी, ठंडा पानी था लेकिन अच्छा लग रहा था। बाद में धीरे धीरे बहुत अच्छा लगा, शिव प्रणाम किया, अच्छा लगा। फिर माँ बोली अगर भाई नहीं होता तो भाई बना के डुबकी ले लेते हैं, तो मैंने एक भाई बनाया, उनका डुबकी ली, उनको प्रणाम किया, अच्छे से हो गया था सारा कुछ। फिर मेरी जिठानी बोली कि मेरे साथ भी ले लो, उनके साथ डुबकी ली, इसी वीडियोस और शूट किए, भी कर रही थी सारा दिन थोड़ा थोड़ा था। फिर माँ थी तो बड़े लोग होते ना, थोड़ा पूजा पाठ भी हो जाता, अगर अपन अकेले होते ना तो सब फोटो वोटो करके निकल जाते। तो माँ ने पूजा पाठ कराया, हम लोगों ने दीपदान किया, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे, दोस्त थी तो माँ ने मामा जी और मामी जी को टीका किया, कुंज सुमी ने कुंज और कृष्णा को किया, मीठा खाया। द्वारकाधीश मंदिर में अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था, ये सारा बाहर का दृश्य है। तो भीड़ बहुत थी, दर्शन की बहुत अच्छे दर्शन थे, जो मथुरा नहीं गए वो जरूर जाएं, ये वेदर बहुत अच्छा है मथुरा जाने के लिए, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, एंजॉय करके फैमिली के साथ, काफी अच्छा था, बहुत एंजॉय किया। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग।